कल मुखाग्नि भी यही बच्चे ने अग्नि अग्नि भी ऐसे बच्चे ने आज ना बेटा ना जी ने और ये चाचा जो कुल कारण गए हरिद्वार बड़े पापा आप पकड़िए उसको परेशान मत करो। इसको ना बोतल वगैरह डाल दो, बोतल वगैरह दे दो। एक इनका दोस्त आया हुआ था गांव से, इनके पास पांच परिवार, पांच परिवार में एक बच्चा बचा हुआ था। एक डॉक्टर का परिवार था, उनका भाई था, पांच के पास चला गया बताया। और जो बीच में एक राजघर है उनके घर शायद चार लोग थे, तो दो लोग बचे ही, दो लोग बचे। और जो सामने समोसे वाली चाय की दुकान थी उनमें जख्मी हुए थे, वो लोग हॉस्पिटल गए। अब अभी हॉस्पिटल में ऐसा लोगों की सबसे ठीक कल छुट्टी होगी, छुट्टी होगी। हाँ कल मैं शिकायत के जाते हैं, मैं जाती जाऊँगा। नहीं ये यहाँ रहते हैं उनका दुकान पर, वो सामने घटना तो 10 किलोमीटर का फासला कोई सहायता नहीं है। सरकारी कोई भी नहीं, कुछ नहीं आया है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि हर मृतक को 2-2 लाख की मुआवजा दिया जाए। कोई अफसर या कोई और बंदा कोई नहीं आने, कुछ भी नहीं, बस खाली जड़ा आया मौके पे ओनर बस उदय कह के बस वर्बली कर को करा। कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई गल नहीं हुई, कोई डीसी, कोई मंत्री, कोई बंदा, कोई भी कश्यप सी, ये मैं मेरी की वजह से सोया नहीं है, कोई मंत्री मंत्री आया नहीं है। क्योंकि सर थोड़ा मैं दस देना चाहना, इस टाइम इन्होंने को उन्होंने पोल्यूशन बोर्ड नगर निगम खास तौर से ये तो अपने कलर बचा लगे हुए ने, इतने कितने ये तो फसल वाला काम वो अपने समझ रहे हैं। और सर थोड़ा जहा मैं NGO एज ए NGO मैं थोड़ा चलना पाना चाहना, इन्हू 11 हत्याव ना कह के 11 शहादत कहा जाए, इन्हों करके हूँ बाकी गैस पूरा बचेगा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नगर निगम से इंडस्ट्रियल ने बर्बाद किया हो। जे अंग्रेजा तो जिदा सा पला छुटिया 11 शहादत करके हम इन्हों तो पला छुटेगा, थोड़े हथ ताकत आ, सारे दे हाथ ताकत है। जे तुसी सर एदे उपर ए जेड़े पैसे मिल रहे आ, ए दा चलो इन्होंने जेड़ा भीख दिता वो 2-10 असी इन्होंने नहीं किया था, असी तां दरी बिछावांगे इन्हां दे खिलाफ, सरकार दे खिलाफ। ओदे लई मैं 2 लाख रुपए भीख थोड़ी है जी। दूजी चीज के तुसी अगर नथ पवा सकदे हो इन्हां ते पवा, स्पेशल नगर निगम दे अधिकारी जेड़े इत्थे लीडरां दे हत्थां दी टूल बने होए आ, और उन्हां दे दफ्तरां च सुत्ते रहंदे आ सारा सारा दिन, पर कम नहीं करदे। और उन्होंने कित अगर गल करिए अगर खास तौर पर मैं इतने जेई की गल करा तो उन्होंने खुद ही माता सैक्रेटरीएट च लगी है, उन्होंने कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, काम भी नहीं करते, लीडर के हाथों की टूल बने हुए हैं।
ਈਵਨ ਕਿ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ दो लाख काफी नहीं है, कम से कम 11 लाख का मुआवजा हो एक परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दे, कोई क्या फर्क पड़ता है अगर सरकार ये करेगी। ये बहुत से छोटे छोटे कार्य है और हम आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और जिस प्रकार की कोई हमारे बच्चे के लिए जो मदद होगी हमारे आप चीमा साहब को बताइए, हम वो करें। इसी प्रकार की भी चाहे वो पैसे की मदद हो चाहे किसी और चीज़ की, हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाने का और इलाज के और नौकरी के लिए किया जाए। और मेरे को लगता है ये बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जाने नहीं गई है, ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की वजह से ये जान गई है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए 300 लोगों के। किसी की गलती की वजह से इन लोगों की जान गई, किसी ने कोई केमिकल डाला है या कोई इस प्रकार की कोई गैस है या किसी फैक्ट्री का कोई इन्वॉल्व है, वो निकालना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने चाहिए। 11 लोगों की जो मृत्यु हुई है मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक अधिकारी नहीं आया हले तक, एक अधिकारी तो आ जाए, भले बंदे चले जाए, बहुत निंदनीय है। और आप चिंता मत करें, कांग्रेस पार्टी की टीम है, इसलिए हम और मैं और आशु जी लेता है, इनकी मिसेस तो आ गई थी ममता जी और मौके पे ही आ गए थे। संस्कार तो लेके सारी जिम्मेदारी साड़ी रही है, असि सब से आप जो एंबुलेंस वाले पहुंच गए सी ना, तो एंबुलेंस ने बड़ा बुरा तरह बर्ताव किया, लेकिन सर वो ज्यादा एंबुलेंस की ज्यादा कर दिया आपने, हमने ज्यादा कुछ देख नहीं आ जा देखो क्या जाता है कि पता ज्यादा पैदल ही इतने ही नड़ी है हादसा हो गया, तो दौरा हो गया तो हमने मैं मतलब हाथ पैर भी कह जाने का कोई आया नहीं, पूछा नहीं पूछा नहीं। पहुंचे ने और इलाके जायजा लैन Thank you.
ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਨਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ
वीडियो भेजी संजय तलवार साहब और चीमा साहब ने और मैं समझना कि जिस प्रकार के हालात सन लोग अपनी दुकाना के बाहर डिगे पे सन सो दिल दहलाने वाली जो तस्वीर ते वीडियो सामने आई सो इस तरह फिर जो पता लगे कि प्रवासी बेचारे सन एक परिवार के पांच जी चले गए एक परिवार के तीन जी चले गए 11 लोग कुल चले गए और निका जहा बच्चा 8 महीने का बच्चा अब मैं उनको जाके आया उन्होंने मास्टर जी है बेचारे आना दुकान सी सो बहुत दर्दनाक मैं समझा ये हादसा सीगा ये ना भुलण वाला हादसा है लेकिन असल ये पिछे गल की है ये पिछे घोक करनी पेगी सरकार को भी कारण की सी क्यों हो असी भी 43-44 साल के हो गए आशु जी और संजय जी बींग ए कौंसलर ये तमाम गलिया जो छोटे छोटे इस तमाम सीवरेज के सब कुछ असी देखा लेकिन ये तो सुनते सी भी सीवरेज के व्यक्ति जो अंदर सफाई करने वास्ते चला जाता है तो उन्होंने गैस चढ़ जाती है तो वो पूरी मौत हो जाती है पर इस तरह चैंबर कितों टुटिया हो लीक हो आसे पास गैस जी बाहर फैल के व्यक्तियों की मौत हो जाए ये कदे नहीं सुनिया सी पहली वारी मैनू लगता कि जिंदगी दे विच आशु जी ऐसा हादसा देखो और 100% ये किते ना किते कोताही हुई है पोल्यूशन बोर्ड तो कोताही हुई है कारपोरेशन तो कोताही हुई है कोई ना कोई मैनू लगता कि इस तरह का कैमिकल है जिहड़ा वो सीवरेज दे विच किते ना किते मिक्स होया है पूरी वजह दे कारण हुण अज दिखाया गया कि जिहड़े ढक्कन सीगे अज ला दित्ते गए जे ढक्कन पहले ही लगे हो और ढक्कन तो मैं समझना कि पूरे पंजाब दे विच अद्धे थोनू 1/4 टुटे मिलेंगे और अगर इस तरह लोगों दीआं मौतां होण लग पईआं तो फिर मैनू लगता पंजाब च कोई बचना ही नहीं है सो इहदे पिछे डूंगी जांच होनी चाहीदी है सिट बनाई है पर मैनू अफसोस है इस गल दा सरकार ने क्योंकि मैं नहीं कहिंदा भी ये किसे दा कोई किसे ने जान बुझ के कीता है लेकिन यार अज 3-4 बीत जान के बाद सरकार का कोई व्यक्ति ना डीसी ना कोई होर किसी मरण वाले दे घरे नहीं गया क्यों क्योंकि वह प्रवासी सन इस करके क्योंकि उन्होंने गल सुन वाला कोई नहीं सी क्यों कोई उन्होंने मगर सड़क से धरना लाने वाला कोई नहीं सी तुसी 2-2 लाख रुपए की अनाउंसमेंट कर दिया एडी दर्दनाक मौत हुई कि इन्हों 10-10, 11-11 लाख रुपए देने सरकार भुखी मरन लगी सी सो मैं समझदा कि यह सरकार की नलायकी है कितने ना कि हुण मैं इन्हों के जी तो वापस नहीं मोड़ लेने का असी आए उस दिन भी साढ़े लोग साथी इतने पहुंचे कांग्रेस के सारे ममता जी पहुंचे साढ़े चीमा साहब पहुंचे बिट्टू जी आए सो मेरे कहने का मतलब कम से कम मलम लगती है जख्मा से और इस गल का दिलासा मिलता है सो मैं समझदा उच्च पदरी जांच होनी चाहिए है इस रिकॉर्डिंग आने वाले समय च मैं असी तमाम लोग गवर्नर साहब नूं मिलांगे और सरकार तो मेरी मंग है कि घट्टो घट 10 लाख रुपया एक मरण वाले जी नूं देना चाहिए और छोटी मोटी नौकरी जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने शहीद हुए किसानों नूं जिन्हां दी उत्थे शहादत हुई उन्हां नूं म्युनिसिपल कमेटी च उन्हां नूं खेतीबाड़ी महकमे च डीसी ऑफिस च असी तीजे दर्जे दी नौकरियां दित्तियां जिन्हां दी 18-18 हज़ार तनखा सी इहदे नाल परिवार दा अगे गुजारा हो गया तो इहदी जांच होनी चाहीदी और जांच होके जिहड़ा व्यक्ति इहदे च पाया जांदा है जिहदे व्यक्ति की कताई उहदे ते 302 दा मुकदमा दर्ज होना चाहीदा क्योंकि इह मर्डर है मैं समझना इह सिद्धे ते असिद्धे तरीके नाल मर्डर है जिस किसे व्यक्ति ने इह गल कीती होई वी इहदे च कैमिकल मिलिया या कितों आया कितों मिक्स होया कि नहीं उत्तों की पाया उन्होंने लोगों को छड़ना नहीं चाहिए और उन्होंने सारिया जायदादा घुर करके ये गरीब परिवारों के राह ला देनिया चाहिए क्योंकि यार जिरा परिवार का सारे जी चले गए वो किदा मुड़नगे 10 लाख नाल नहीं मुड़ने वो नौकरी नाल नहीं मुड़ने लेकिन आने वाले किदा ब्यासपुर है जी किन्ने लोग रेंदे गरीब इत्थे ते कल नूं तां हरेक चैंबर टुट जाए तो पता नहीं न्याणे दीआं लाशां ये तो चलो बाहर वाली है जे अंदरली संघनी आबादी च किते हो जांदा ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਚ ਗੈਸ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਚ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 100% ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਘਰੇ 15-15 ਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖ ਜਾਣੇ ਸੀ
पर हजे भी सरकार सुती रही, नींद नहीं जागी। हुण तक प्रशासन नूं इत्थे पूरा काम कर लेना चाहिए सी, ते सारी व्योंतबंदी करके पता ला लेना चाहिए सी की होया। अजे तक तो वह लोगों ने करी नहीं गई। सो असीं आने वाले समय च गवर्नर नूं भी मिलांगे और जोरदार इन्हां दी बावजूद हजे उन्हां कोले रिपोर्ट नहीं आई भी कित्थों क्यों हुई है गड़बड़। हजे तक डीसी साहब नूं जां किसे व्यक्ति नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहीदी सी भी आ कुछ कारण सी। जिम्मेवारी फिक्स कर, पोल्यूशन बोर्ड की जिम्मेवारी है, कारपोरेशन की जिम्मेवारी है, किसी फैक्ट्री वाले ने केमिकल पाया की नलायकी दे करके ग्यारह मौत हो मौतां जिहड़ियां होईयां इहदे ते उहनां नूं मिलांगे और उहनां नूं कहांगे उच्च पद्धरी जांच करो। इह ना होवे कि मुंगल मुत्थे पा के ते सारा काम समेट दित्ता जावे, जिहड़े अधिकारी जां जिहड़े व्यक्ति जिम्मेदार है उहनां नूं बख्श दित्ता। सर हजे तक वी इह गल है जिहड़ी प्रशासन वल्लों गां जां फैक्ट्रियां ते छुट्टी जा रही जदकि नगर निगम ते पोल्यूशन बोर्ड नूं बचा रहे। चलो मैनूं नहीं पता भी इह किहदी गलती है एक्चुअली, पर मैं उम्मीद करदा कि प्रशासन बिलकुल, क्योंकि साडे वी बच्चे है कल नूं, इंसानियत दे नाते निरपक्ष जांच करे। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।